अभी स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं एक छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए शूट करने वाली हूँ। पहले तो इसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी में। उसने बाहर ही ऑर्गेनाइज की है, मतलब बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज की है। तो मैंने सोचा कि इट वुड बी अ फन टू शूट अ वीडियो फॉर यू गाइज कि मैं कैसे तैयार होती हूँ, मैंने कैसे ड्रेस सेलेक्ट की, कैसे मेरे बेटे ने ड्रेस सेलेक्ट करने में उसमें मेरी हेल्प की। तो ये सारा प्रोसेस मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको मजा आएगा। और आज मैं पहली बार, मेरी ड्रेस का कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, तो आज मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ स्मोकी आईज लुक। देखते हैं वो कल्मिनेट हो पाता है कि पूरा पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि एक बार अगर आपका स्मोकी आई लुक खराब हो गया तो आपका पूरा फेस काला हो जाता है। सारा मेकअप आपको दोबारा से पहुंचना पड़ता है। पहले एक बार मैंने बहुत साल पहले ट्राई किया था, तब तो नहीं हो पाया था। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज हो पाएगा कि नहीं। और आज आपको भी उस पार्टी में मेरे साथ चल के आई होप मजा आए। और सुबह, जैसे मैं बता रहा, अभी के बज रहे हैं 10:30 के अराउंड, और मेड काम करके जा चुकी है, और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। आज वर्मिसेली का ब्रेकफास्ट किया था। पार्टी जो होगी वो शाम को टी पार्टी के टाइम पे होगी, मतलब उस टी टाइम पर 4 o'clock के अराउंड। तो ब्रेकफास्ट हमने कर ही लिया है, वर्मिसेली बनाई थी। और वो होने के बाद एज यू कैन सी कि मैंने हेयर कलर किया है। इतने सारे ग्रे हैं कि हेयर कलर तो कहीं भी जाने से पहले का एक काम हो गया है, वेदर इट इज विंटर्स और समर्स। समर्स में इस बार गाइज मैंने मेहंदी पे स्विच कर लिया था, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छा था, 6 months मैंने बिल्कुल ही हेयर कलर छोड़ के, और मेहंदी में भी रेड वाला नहीं रहता था। मैं उसके साथ इंडिगो पाउडर का एक अलग से पैक बना के उसमें लगाती थी। तो कभी आप चाहेंगे और आपको अगर मतलब बिल्कुल हेयर कलर जैसे ब्लैक जेट बाल हो जाते हैं, उससे बहुत अच्छे और बहुत सिल्की भी हो जाते हैं, और मेरे को तो बहुत पसंद आया। मैं 10 साल से हेयर कलर यूज कर रही थी, बट स्विचिंग ओवर टू इंडिगो पाउडर और हिना वॉज अ फन। और बहुत अच्छे बालों का टेक्सचर भी हो गया था मेरा। अब देखो 3 महीने इतनी ठंड है दिल्ली में कि यहाँ तो आपको मतलब अब हेयर कलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेहंदी वाले के अंदर पहले 4 घंटे मेहंदी लगाओ एक दिन, फिर अगले दिन 4 घंटे इंडिगो पाउडर लगाओ, तो 2 दिन आपका सर पूरा वेट रहता है। तो आई कैन नॉट अफोर्ड इन दिस टाइप ऑफ विंटर्स कि मैं 2 दिन पूरा सर ठंडा रखूँ, मेरे को बहुत जल्दी कोल्ड कैच हो जाता है। तो वो भी मैं लेकिन इस बार समर्स में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको हेयर कलर जैसे 10 दिन में उतर जाता है, वो 1 महीने तक भी नहीं उतरता। और जैसे जैसे आप उसको रेपिटेटिवली करते रहेंगे तो आपके बालों को वो परमानेंटली भी काला कर देगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, आपको आगे का ब्लॉग जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा, मैं आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि आज हम कैसे पार्टी की तैयारी करते हैं, कैसे ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं। पहले मैंने एक मजेंटा कलर का जंप सूट ट्राई करके ईशांक को दिखाया, वो कह रहा था कि मैं उसमें मोटी लग रही थी। तो वो क्रॉस हो गया, हालांकि वो न्यू था, मैंने आज तक नहीं पहना, 4 साल हो गए उसको खरीदे हुए, लेकिन कोविड की वजह से कहीं नंबर ही नहीं आया। तो फिर मैंने अपनी एक पहले एक बर्थडे पार्टी में एक ड्रेस पहनी हुई थी ब्लैक एंड वाइट, बड़ी मतलब बड़ी बड़ी यूके टाइप की ड्रेस है वो, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। वो कट स्लीव थी, लेकिन मैंने उसके नीचे एक ज़ारा की स्कीवी प्लान की है पहनना, तो मैं एक ज़ारा की नीचे स्कीवी मतलब थोड़ा वार्म रहने के लिए वो पहनूंगी, ऊपर से वो ड्रेस पहनूंगी। लुक आपको पहन के देखने के बाद ही समझ में आएगा। ड्रेस बहुत ही प्यारी है, डॉर्थी पर्किंस की ड्रेस है वो, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी ड्रेस है। जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट गाइस पसंद आ रहा है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, तो प्लीज गाइस लाइक करना और सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको मेरे साथ रह के बहुत मजा आने वाला है गाइस, आई एम श्योर। और आप जिस तरीके से मैंने इस बार एकदम स्क्रैच से ये चैनल स्टार्ट किया, किसी मेरे किसी जान पहचान वाले को ये पता नहीं है कि मेरे पास एक YouTube का चैनल है ये। तो पिछले 1 महीने से थोड़ा क्योंकि किसी को भी नहीं बोला, फ्रॉम द स्क्रैच आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, तो मुझे मजा आ रहा है कि मेरे पे प्रेशर नहीं है। कोई मेरी जान पहचान वाला तो ये वीडियो देख ही नहीं रहा है अभी। आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस यही मेरी अब जान पहचान है और यही मेरी फैमिली है। तो मेरी इस फैमिली को जो अभी मैंने छोटी सी स्टार्ट किया, उसको प्लीज हेल्प करके जल्दी से गाइज बड़ा कर दीजिए प्लीज। और अब मिलते हैं कि हम क्या करेंगे अभिशांक, डस्टिंग कर लें? हाँ। हाँ दुख रहा है शंका बहुत ज्यादा, बट आप तो इतने डंबल्स मारते हो उसमें तो नहीं दुखता। 5 मिनट एक एंगल होल्ड कर रहा हूँ। अरे मैं तो 50 मिनट भी बोल सकती थी, तेरी हालत देख के मैं 5 मिनट बोल रही हूँ।
चलो तभी हाथ रखना पड़ेगा। हाँ। क्यों डंबल छोड़ दिए? हाँ। क्यों? क्रिकेट का मैच आ रहा है। अच्छा उसकी तैयारी चल रही, पर डोले बोले फिर रह जाएंगे इशू, फिर कैसे होगा? डोले भी तो बनने चाहिए। मैच खत्म होगा डोले डोले दिल मेरा डोले भैया हाथ ढह जाएगा मेरा डोले। यहाँ पर गाइस लगा रही हूँ मैं अपने बालों में हेयर कलर, जैसा कि मैंने आपको अपने इससे पहले वाले क्लिप में दिखाया। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, तो इस तरीके से मैं खुद ही हेयर कलर लगा लेती हूँ। शांक शूट कर रहा है ये मेरा हेयर कलर लगाना, तो 45 मिनट्स के लिए ये रखना पड़ता है हेयर कलर, आपको भी पता होगा ये। तो हेयर कलर लगा के फिर मैंने वो वाला क्लिप शूट किया, फिर घर के काम करते हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज कौन सी ड्रेस पहनना प्लान किया है। ये एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस है जो मैंने अपने पहले एक बर्थडे पे पहनी हुई है, डॉर्थी पर्किंस, एक बहुत अच्छा ब्रांड है यूके का, उसकी है। मिंत्रा पे अवेलेबल है ये वाला ब्रांड। और इसके नीचे मैंने प्लान किया है कि मैं ये एक क्रॉप स्वेटर है मेरा जो मैंने लास्ट ईयर ज़ारा से लिया था, ये पहनूंगी मैं। इसके नेक में ऐसा थोड़ा सा काउल नेक टाइप का है ये, ये इसके नीचे पहनूंगी ताकि ठंड ना लगे। और उसके ऊपर ये ब्लैक एंड वाइट ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है। ये भी उल्टी पड़ी है क्योंकि मैंने अभी शांक को ट्राई करके दिखाया था, तो ये ड्रेस अभी उल्टी पड़ी है। मैं इसको सीधा कर देती हूँ, फिर मैं जब पहनूंगी तो आपको लुक पूरा पता चल ही जाएगा। इस तरीके से ये एक ऑफ शोल्डर ड्रेस है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है, और उसके ऊपर एक वाइट कलर का ये शोल्डर पे आएगा ऐसे, और ये नीचे ब्लैक कलर का है। इसका फैब्रिक जैसा कि आप देख सकते हो बहुत मोटा, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, बहुत सुंदर फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है। तो ये है मेरी आज की ड्रेस, इसके साथ में ब्लैक हाई हील्स पहनने वाली हूँ। पिछली पार्टी में भी मैं हील्स पहन के गई थी और वहाँ पर मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, 4-5 घंटे मैंने डांस किया और मेरे पैरों का ऐसा बैंड बाजा बज गया था। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं एक फ्लैट और रख लूँगी गाड़ी में अपने साथ, ताकि अगर मेरे को लगे कि मेरे से हील्स में डांस नहीं हो रहा है तो आई कैन स्विच टू दोज स्लिपर्स जो फ्लैट वाले होंगे उन पे। पहले मैंने एक, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मजेंटा सैटन का जंपसूट पहले प्लान किया था पहनना। ये रहा वो जंपसूट, बहुत प्यारा सा एक जंपसूट है ये, 3-4 ईयर्स बैक लिया था मैंने, बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है। ये पहनने का सोचा था पर फिर शांक ने कहा कि इसका फिट बहुत ज़्यादा अच्छा आप पे लग नहीं रहा है, तो आप देख लो अगर आप कोई और ड्रेस पहन सको। तो फिर मैंने स्विच कर लिया अपनी उस ड्रेस पे, फिर कभी इसको पहनूंगी, पहले इसकी थोड़ी फिटिंग करा लूँ, अभी ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो अब ईयरिंग्स भी प्लान कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन से ईयरिंग्स पहनने वाली हूँ मैं, तो देखते हैं कौन से ईयरिंग्स इसके साथ जाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि ईयरिंग्स मैंने कहाँ रख दिए हैं, इसी में है, ये रहा ईयरिंग्स। छोटे वाले ईयरिंग्स तो मैंने एक अलग जगह पे रखे हुए हैं, ये जो एक बॉक्स आता है मल्टी ईयरिंग्स रखने वाला अमेज़ॉन से ऑर्गेनाइज़र टाइप का, उसमें, पर बड़े उसमें आते नहीं हैं तो मैंने इस तरह के बॉक्सेस में बड़े रख रखे हैं। ये चलेंगे उस ड्रेस पे फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये चलेंगे, कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं लगेगी, सिर्फ फिर यही बहुत अच्छे से जर्किन वाले, बहुत स्टडेड, बहुत अच्छे शीन जो कि अब बंद हो चुका है उससे लिए थे मैंने बहुत सुंदर लगते हैं। तो सोच रही हूँ या तो ये पहन लूँ या फिर क्या पहना जा सकता है फ्रेंड्स इसके साथ। कन्फ्यूज़न है, दूसरा वाला निकालना पड़ेगा फिर अपना बॉक्स, उस बॉक्स में से देखना पड़ेगा कि क्या पहना जा सकता है। ये पर्ल वाले भी वैसे तो पहने जा सकते हैं, बड़े हो जाएंगे वो भी, हो तो बड़े ही जाएंगे, पता नहीं। मैं हमेशा बड़े बड़े ले तो लेती हूँ, फिर पहनते हुए हमेशा हेजिटेट करती हूँ कि क्या ये मैं पहनूँ, क्या मैं इस ड्रेस के साथ ये जा रहे हैं, क्योंकि एथनिक वेयर के साथ तो आप कितने भी बड़े पहन लेते हो, वेस्टर्न के साथ मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ फ्रेंड्स कि कौन सा पहनूँ। तो फॉर द सेफर साइड मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे एक छोटे ईयरिंग भी सेलेक्ट करके निकाल के रख लूँ। ये इस तरह के मैंने ऑर्गेनाइज़र लिए हुए थे अमेज़ॉन से, तो छोटे जो कंपैरेटिवली ईयरिंग्स हैं वो मैं इनमें रखती हूँ। लेट्स सी कोई चलता है क्या इसके साथ।
इसका भी अगर आप कभी चाहेंगे कि मैं अपने सारे ईयरिंग्स का कलेक्शन आपको दिखाऊं, ये चल सकते हैं फ्रेंड्स ना, इसके साथ सिल्वर हैं ये भी और थोड़े डेलिकेट भी हैं। व्हाट सेज, थोड़े लंबे हैं, थोड़े डेलिकेट हैं, इस तरह के हैं ये, देखिए ये भी चल सकते हैं और आई गेस ये पर्ल्स वाले भी चल सकते हैं। कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? फिर वही कन्फ्यूज़न क्या पहने कन्फ्यूज़न। चलो लास्ट टाइम पे देखते हैं कि क्या क्या पहनती हूँ मैं। चलिए फिर अब कर लेते हैं घर की डस्टिंग। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं घर में डस्टिंग, और डस्टिंग का वक्त है, डस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद अपना मेरे हेयर कलर को भी 45-50 मिनट्स हो जाएंगे, तो हेड वॉश भी कर लेते हैं, नहा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको तैयार होते हुए। कैसे मैं अपना मेकअप करती हूँ, कैसे मैं उसके साथ ज्वेलरी डिसाइड करती हूँ, मैं सारे प्रोसेस में आपको अपने साथ रख रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर पसंद आ रहा, मैं इसको एज़ ऑर्गेनिक एज़ पॉसिबल रखने की कोशिश कर रही हूँ, रॉ, बहुत ज़्यादा इसको वैसे शूट नहीं कर रही हूँ कि बहुत जैसा नहीं होता है वैसा प्रोजेक्ट जैसे यूट्यूबर्स करते, नहीं, जैसे जितना कन्फ्यूज़न माइंड में होता है, जो दिमाग में चलता है तैयार होने से पहले, आप कितने भद्दे लगते हैं सारी के सारी चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा पे दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। और आपको मेरा ये रॉ ऑर्गेनिक एकदम सच्चाई से परिपूर्ण व्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूले। और आगे मैं अभी डस्टिंग करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, और हेड बाथ लेने के बाद आपसे मिलती हूँ, और फिर जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होगा आगे चलते हैं। कार का ये है कि हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, 4-5 किलोमीटर्स दूर है, तो यहाँ पे मेरी बिल्डिंग में 14-15 हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे का बर्थडे मनाते आए हैं एक दूसरे के साथ, पहले घर पे होता था, आजकल सब लोग बाहर पार्टी देने लग गए हैं, तो जैसा जिसको सूटेबल होता है वैसे वो कर लेता है। तो यहाँ पे 3-4 फ्रेंड्स जिनके पास कार हैं वो लेके चलेंगे, आई एम वन ऑफ देम, तो बाकी जो होंगे वो नहीं, हमारे साथ ही चलेंगे, हम वहाँ पे सब लोग साथ जाएंगे, 2-4 घंटे पार्टी करेंगे। पार्टी मतलब हमारी पार्टी में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा अगर म्यूज़िक हुआ तो, लास्ट पार्टी में तो म्यूज़िक था, लेट्स सी यहाँ पे भी होता है कि नहीं। और बस अपने फ्रेंड को स्पेशल फील कराना और इस बहाने से थोड़ा बहुत मिल लेना, हालांकि कोविड टाइम में थोड़ा अंदर से एक डर भी बना रहता है, और ओमिक्रॉन जब से आ गया है तो फ्रेंड्स डर तो है ही। लेट्स सी अगर थोड़े से भी केसेस यहाँ बढ़ते हैं तो आई एम प्लानिंग कि आगे फिर मैं सोचूंगी पार्टीज़ में जाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ मस्ट। अभी तो हमारे यहाँ आसपास कोई केस नहीं सुनने में आया है, तो बस थोड़ी हिम्मत करके जा रही हूँ, क्रॉसिंग द फिंगर्स फॉर द बेस्ट, देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। तो डस्टिंग से पहले फ्रेंड्स एलेक्सा को बोलते हैं मेरा फेवरेट म्यूज़िक चला दे, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना डस्टिंग का प्रोग्राम। एलेक्सा Play My Bad Habits by Ed Sheeran. Bad Habits by Ed Sheeran. Fred, Graham Archer from Hungama Music. Let's start the work. यहाँ मैं बना रही हूँ दोस्तों ईशांक के लिए खाना, तो यहाँ मैंने इसके लिए मैदे की ये मैदा और सूजी मिक्स करके ये जो कलकत्ता में बनती हैं पूड़ियाँ बड़ी बड़ी, वैसी पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाई है। वो अपने लैपटॉप पे बैठा है देखिए, और पूड़ी जब बनती हैं तो इतनी सारी खा लेता है। लेट हो गई है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, 4 बजे की पार्टी है, 3 बज चुके हैं, अब जल्दी 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 मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर, ये प्राइमर है ब्लू हेवन का प्राइमर, तो फटाफट इसको थोड़ा सा लेके फेस पे शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये झटपट वाला मेकअप करेंगे, और अभी मैंने प्राइमर लगा लिया अपने फेस पे, और अब मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर। हम पहले आई मेकअप करेंगे ताकि कोई फॉल आउट हो तो वो फेस पर ना आए, तो हम पहले प्राइमर अपर लिड पे अपनी यहाँ पर लगा लेंगे अभी, और उसके बाद फिर मैं अपना आई मेकअप शुरू करूंगी। आई एम ट्राइंग फर्स्ट टाइम स्मोकी आई लुक, देखते हैं बन पाता है कि नहीं, अदरवाइज जाके मुंह धो लेंगे। ये निक्स का प्राइमर, निक्स का कंसीलर है फ्रेंड्स ये। Thank you.
ऊपर अब हम लगाएंगे अपना आई शेडो। तो आई शेडो मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड के एक अलग से ये बॉक्स में आते हैं, उस तरह का एक है। तो पहले मैं ये लगाती हूँ, देखती हूँ इससे कैसा पिगमेंटेशन आता है और फिर उसके बाद फिर हम लगाएंगे। अगर इससे नहीं आया तो फिर मैं दूसरा ये मेकअप रेवोल्यूशन का एक है इससे लगाऊंगी। तो लेट्स ट्राई। इसको फिल कर लेंगे। इन टेप्स को अब हम उतार देते हैं और बाकी का अपना फेस का जो मेकअप बचा हुआ है वो करते हैं। देखिए इन टेप को लगाने से ये फायदा हुआ कि डिफाइन लाइन आई है यहाँ पे और ये यहाँ तक स्प्रेड नहीं हुआ है। इट वर्क्स। जितना भी फॉल आउट था नीचे वो मैंने साफ कर लिया है और अब लगाते हैं अपना फाउंडेशन। फाउंडेशन आज मैं लगा रही हूँ फेसेस कैनेडा का। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो विंटर्स के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ऑयल काफ़ी है इसके अंदर, तो अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर का मैं ब्लश लगा दूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एप्पल चीक्स पे, नोज़ पे। ये ऑलमोस्ट डे पार्टी है और ज़्यादा आपको नहीं लगाना, ज़्यादा हाइलाइटर लगाना मुझे पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा बस लूज लगा रही हूँ। मस्कारा डन हो गया फ्रेंड्स। देखिए दो कोट लगा लिए थे मैंने, फॉल्स लैशेस का लुक दे रही है ना। अब बारी है लिपस्टिक की, चलिए लगाते हैं लिपस्टिक। दो लिपस्टिक में, क्योंकि अब जब से मास्क लगने लग गए हैं तो अब नॉर्मल लिपस्टिक का काम आ नहीं रही है, तो सारी की सारी लिक्विड लिपस्टिक की यूज आ रही है। दो लिपस्टिक, दो लिक्विड लिपस्टिक करने वाली हूँ और वो हैं दोनों लॉरियल की। एक है ब्लू कलर की ब्राउन और एक है रेड कलर की। दोनों को रेड का हल्का सा टिंट दूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, तो दोनों को मिक्स करके लगाएंगे। चलिए लेट्स डू। पहले आउटलाइन कर लेते हैं और ये है नायका का लिप लाइनर, लिप डोंट लाय, रेड कलर का है ये। तो पहले लिप लाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर लगा लेते हैं अपना न्यूड, क्योंकि रेड रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज। इसको टोन डाउन कर देते हैं। ये है न्यूड कलर का। हो गया है मेरा मेकअप रेडी और कपड़े पहनने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी मेरा पूरा लुक। अभी के लिए देखिए ये इस तरह का मेकअप हुआ है। आई एम लविंग इट। पूरे 10-15 मिनट्स में ये हो गया है। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। लाइट यहाँ प्रॉपर नहीं है, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये है मेरी ड्रेस फ्रेंड्स, ब्लैक एंड वाइट पूरी। मैं अभी बाद में आपको लुक दिखा दूंगी, इस तरह की है। जिप पूरी मुझसे बंद नहीं हो रही है, अभी किसी से बंद कराती हूँ। नीचे मैंने इसके ये स्वेटर पहन लिया है और ऊपर से ये ड्रेस पहन ली है। इस तरह की फिट फ्लेयर ड्रेस है। और अब मैं इयर रिंग्स पहन के दोनों देखती हूँ। मैंने जो दोनों आपको दिखाए थे, एक ये वाले और एक ये वाले, लेट्स सी कि इस पे ज़्यादा कौन से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ पहन लिया मैंने ये और एक तरफ पहन रही हूँ ये, और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा जाता है। वैसे मैं थोड़ी इंक्लाइंड हूँ पर्ल वाले की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे वेस्टर्न ड्रेस के हिसाब से। व्हाट सेज, ये हैं बहुत खूबसूरत पर हैवी हो जाएंगे वो भी इस ड्रेस के हिसाब से। व्हाट सेज, पर्ल वाले पहनते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत हैवी हैं, कान में भी हैवी लग रहे हैं और वो भी मैं झेल लूँगी, लेकिन इस ड्रेस के साथ थोड़ा ओवर लग रहा है। तो लेट्स वेयर पर्ल वन। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, सिंपल सा। मेरे हेयर बहुत वैसे ही स्ट्रेट रहते हैं, एज यू कैन सी, देखिए बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग करने की कुछ भी करने की, स्मूथनिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरे इयर रिंग्स और ये है मेरी ड्रेस, और अभी इसका मैं फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैं एक बेल्ट पहनने वाली हूँ, आप रुकिए मैं दिखाती हूँ। है फ्रेंड्स एक सिल्वर मेटल वाली बेल्ट, तो आई एम प्लानिंग टू वियर इट ऑन माई ड्रेस। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक। यहाँ मैंने वेयर कर ली अपनी ये ब्लैक हील्स, जिन्हें बाद में मैंने प्रोग्राम चेंज करके सिल्वर लोफर्स के साथ एक्सचेंज कर लिया था। और ये मेरी प्यारी सी वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस जो मैंने पहनी एक ही बार है अपने एक बर्थडे पर। हेयर आई एम ट्राइंग टू मेक सम रील्स, कि इतना मेकअप किया है, तैयार हुए हैं तो एक रील तो हो ही जानी चाहिए। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक, ये मेरी ड्रेस विद सिल्वर बेल्ट विद दिस ज़ारा स्वेटर, दीज पर्ल इयर रिंग्स, और इसके साथ अब मैं बनाऊंगी इसके बाद एक दो रील्स। इफ यू डोंट लाइक मी दैट्स फाइन, आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू हैव गुड टेस्ट। टाइम की देखिए मैं कितनी पंचुअल हूँ, सबसे पहले नीचे आ गई हूँ गाड़ी लेकर और सबका वेट कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि सारे फ्रेंड्स आ जाएं और हम साथ में जा सकें। तो फ्रेंड्स हम यहाँ वेट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स की। मैं डाउनस्टेयर्स आ चुकी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, सबका वेट कर रही हूँ। सब लोग आ रहे हैं और दिख रहा है मुझे कि वो आ रहे हैं। हाँ दे आर कमिंग। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे पार्टी में। हेयर वी हैव रीच्ड टू द डेस्टिनेशन, और यहाँ आते ही हमारा रिचुअल है, हम आते ही सारे फ्रेंड्स फोटो सेशन कराते हैं। प्लेस वॉज ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर प्लेस था। एज यू कैन सी एवरीबडी वॉज इंजॉइंग, म्यूजिक वॉज देयर, फूड वॉज नाइस, और हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए इस पार्टी में। तो कैसा लगा आपको फ्रेंड्स मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए।